ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। पिछले कुछ दिनों सर लॉस सैंटोस में यार बहुत अजीब गरीब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यार कल ही मुझे पता चला था कि भाई लॉस सैंटोस में एक पागल साइंटिस्ट की गैंग पाई गई है, ठीक है। और उन्होंने एक नया वायरस फाउंड कराया, और गैस वो जो वायरस है यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक। और गैस वो जो वायरस है यार, उन्होंने उसका नाम दिया है वेनम सिम्बियोट, जो कि यार वेनम से रिलेटेड है। मतलब उसमें स्पाइडरमैन, अगर आपको पता ही हो तो यार उसका जो अपोनेंट था, एनिमी, उसका नाम था वेनम। तो यार कुछ उस तरह का वायरस उन्होंने करा है, और गैस वो जो वायरस होने वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और गैस वो यूज़ करेंगे यार लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो गैस हमें यार जाके यार वायरस को मतलब उनसे छीनना होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करना होगा, वरना भाई लॉस सैंटोस जो है भाई बहुत ज़्यादा खतरे में होने वाला है। तो फिलहाल तो अभी मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। तो अभी तुम मौसम देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो चलिए यार अभी जल्दी से चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो गाइस यार अब हम आ चुके हैं अपने घर के नीचे, ठीक है। और देखो यार मैं कितनी मतलब ऊपर रहता हूँ, ठीक है, लिटरली। तो चलो अब जल्दी से अपनी कार निकालते हैं, ठीक है, और चलते हैं भाई, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, तो ये रही मेरी कार। ओके सो लेट्स गो, हमें जल्दी चलना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी मौसम मतलब कुछ ख़राब सा हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे भाई भगवान का शुक्र है कि भाई मौसम ठीक हो गया, वरना मैं बहुत दिक्कत हो जाती। और मेरी कार तुम देख सकते हो कितनी तेज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है, बट हमें तेज़ चलना ही पड़ेगा यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई उनके साथ यार पुलिस भी मिली हुई है, तो यार दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर हम उधर जाते हैं तो हमें भाई उनसे भी फ़ाइट करनी पड़ेगी, और साथ में पुलिस वालों से भी फ़ाइट करनी पड़ेगी। बट कोई नहीं यार, लॉस सैंटोस को बचाना है तो भाई फ़ाइट तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। चलो अब जल्दी चलते हैं, और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, रात भी होने वाली है, ठीक है, तो बस बने रहो साथ। सो गाइस फाइनली यार भाई मतलब भाई आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते यार हम अब बस पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सो तो भाई उन्होंने यार जो अपना लैब यार कितनी दूर बना रखा है सिटी से, ताकि यार किसी को पता ना लग पाए, ठीक है, और अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम करते रहें, वो भाई साहब। और गाइस यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हैं, ठीक है, तो मुझे देख कर जाना पड़ेगा, ओ भाई। और लिटरली यार यहाँ पे देख सो तो भाई, ओ भाई देख सकते हो यार कितने सारे यहाँ पर जानवर घूम रहे हैं, जंगली जानवर। और गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई ह्यूमन लेब्स एंड रिसर्च। ओके, तो गाइस हम अपने वे पॉइंट पर आ चुके हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन पे हम फाइनली आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो अब चलते हैं, यहाँ पर कोई खड़ा तो नहीं है। ओके, तो चलो अभी चलते हैं यार। हमें यार नॉर्मल सिविलियन बन के जाना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे ही घुसता गया और मतलब चीज़ें तोड़ फोड़ मैंने कर दी तो इन्हें शक हो जाएगा कि भाई मतलब कुछ गलत सीन इधर होने वाला है। तो इसलिए मुझे जो बाकी नॉर्मल सिविलियंस जाते हैं इधर, उनकी तरह मुझे रिएक्ट। सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है, ठीक, और देख सकते हो, ओ भाई मतलब यार ऐसा तो यार यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यार आगे जो मतलब एंट्री थी वहाँ पे यार कोई सिक्योरिटी गार्ड ना कुछ चेकिंग, ठीक है, मतलब कैसे यार, ठीक है। तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो यार सिक्योरिटी लैब है, ये ह्यूमन लैब है, मतलब नहीं यार, एक मिनट। सो गाइस फाइनली यार हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर ली है, ठीक है, और देख सकते हो पूरी मतलब भाई ढंग से करी है मैंने, ठीक है। नहीं आज सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे अपने कार पार्क कर लिए, और चलो अब जल्दी चलते हैं। बट यार यहाँ पे मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब हम भाई एंट्री करी थी हमने, तब भी यार कोई चेकिंग नहीं, ना कोई गार्ड ना कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो पार्किंग के एरिया में भी कोई गार्ड ना चेकिंग, ठीक है, मतलब यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। क्योंकि यार देखो लैब है तो जाहिर सी बात है चेकिंग तो होनी चाहिए, गार्ड तो होनी चाहिए, बट यार हमें अपनी सेफ्टी रख के चलनी पड़ेगी कि भाई आगे कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे इतना खतरनाक भाई वायरस इन्होंने यहाँ पे फाउंड करा है, मतलब बनाया, तो मतलब गार्ड तो होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम चेक कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो चलो मैं अपनी स्नाइपर निकाल के चेक करता हूँ जूमिंग करके। ओके, फिलहाल तो यार मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो चलो अभी ऐसे ही चलते हैं। ओ भाई लिटरली यार मतलब तुमने यार एक चीज़ देखी यार, जब मैं आया था वहाँ पे कोई बंदा था नहीं, ठीक है, बट यार अब यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई। मतलब गाइस अगर मैं यार 5 से 10 मिनट और लेट होता तो भाई अब तक यहाँ पे फाइट हो जाती, बट स्टिल अभी हम सेफ हैं, ठीक है। तो चलो यार आराम से चलते हैं, छुप छुप के देखते हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स या तो हैं कि नहीं, ठीक है, वरना हम डायरेक्ट अंदर घुस जाएंगे। ओ भाई और लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो, ओ भाई 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 भाई, ओके तो मैं आराम से देखता हूँ। ओ भाई और देख सकते हो गाइस यहाँ पे यार गार्ड एक खड़ा है, ठीक है, तो ऐसे मारू कैसे समझ नहीं आ रहा।
तो आई गेस मुझे अपनी पिस्टल यूज़ करनी चाहिए, शायद इससे काम हो जाए। और इसमें सप्रेसर भी लगा है शायद। तो चलो अभी इसे उड़ाते हैं पहले। सो गाइस यहाँ पे यार हमने एक बंदे को फाइनली यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और चलो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और बंदे हैं कि नहीं। वैसे मुझे छुप के चलना पड़ेगा कि भाई बंदे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये एक जाहिर सी बात है एक सीक्रेट ह्यूमन लैब है। तो बंदे, ओ भाई, और लिटरली यहाँ पे देख सकते हो, तो भाई इसके पीछे ही बंदा खड़ा था। ओ भाई, और यहाँ पे कितने खड़े हैं, 1 2 3 बंदे। ओ भाई भाई भाई, तो यार मुझे तो भाई तीनों से फाइट लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए यार मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले छुपते हैं। ओ भाई, और लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो भाई मैंने सबको ख़त्म कर दिया। ओ भाई, मतलब भाई लगातार मैंने 5 बंदों को मार दिया और भाई किसी को पता भी नहीं लगा। मतलब भाई क्या हो भाई यार, क्या ही बंदे हैं, इतनी सिक्योरिटी, मतलब इतनी गंदी सिक्योरिटी। तो चलो अब आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई और कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओ भाई, लिटरली गाइस तुम देख सकते हो वहाँ पे आगे तरफ 2 बंदे हैं और यहाँ पे मैंने 5 बंदों को लगातार मारा था। बट पता नहीं यार कौन से नशे कर रहे हैं और वो मुझे देख नहीं पाया, तो आवाज़ सुन नहीं पाए। और गाइस जस्ट मेरे बगल में ही एक बंदा है। ओ भाई, तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं इसे हाथों से पीटता हूँ, ठीक है। वैसे उनके मुँह तो उधर इधर हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अपने पिस्टल से ही ख़त्म कर दूँ इसे। ओके, तो गाइस, ओ भाई यार बहुत सेफ्टी से मुझे यहाँ पे एक कदम लेना पड़ेगा, वरना भी अगर अलार्म बजा ना तो यार पूरी यहाँ के जो सिक्योरिटी है गार्ड्स हैं भाई सारे आके तुम्हारे भाई पे अटैक कर देंगे और भाई तुम्हारा भाई यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमें बहुत सेफ्टी से यहाँ पे एक एक कदम हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बचे 2 हैं, तो इन दोनों को तो मैं स्नाइपर से ख़त्म कर दूंगा। नहीं, इनके लिए तो यही काफ़ी होगा शायद। ओके, ओ भाई, ओ भाई, ओके, मतलब लिटरली यार तुम्हारे भाई का वैसे कभी शॉट मिस तो नहीं होता, बट आज हो ही गया था, बट बच गए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने 8 9 बंदों का यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ और तो नहीं खड़े। ओके, तो चलो अब आगे की तरफ चलते। ओ भाई, और लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो भाई सामने की तरफ एक बंदा है और तुम्हारे भाई ने पॉइंट आउट भी नहीं करा और ना ही उसने करा। तो भाई तू भी निकल भाई, किसका इंतजार कर रहा है तू। ओके, तो गाइस फाइनली यार यहाँ पे हमने पूरी यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे यहाँ पे हमने सबको मार दिया है, ठीक है। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और कितने सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, तो यार आई गेस यहाँ पे तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो गाइस ह्यूमन लैब्स का रास्ता है जाने का अंदर का, वो इधर ही होगा आई गेस। और गाइस वहाँ पे तो आई गारंटी भाई कि बंदे तो होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स तो होंगे, तो उन्हें भी हमें एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा। और ये हम आ गए ऊपर की तरफ। ओ भाई, लिटरली यार 1 2 3 4 5 छः, मतलब 6 बंदे एक साथ। ओ भाई यार यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए यार मैं ग्रेनेड लॉन्चर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ओ भाई, और लिटरली यहाँ पे जो बंदे थे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और शायद, ओ भाई ये देख रहे हैं आखिर हुआ क्या इधर, भाई इनको कुछ समझ ही नहीं आया हुआ हुआ क्या। ओ भाई लिटरली यार यहाँ पे तुम्हारा, ओ भाई, और भाई इस बंदे का हाल तुम देख रहे हो, ओ भाई क्या ही हाल कर दिया तुम्हारे भाई ने, भाई भाई भाई। तो गाइस आई गेस सारे बंदे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और ये रहा एंट्री का रास्ता। तो चलो अब अंदर चलते हैं, ठीक है। सो गाइस यार अब हम आ चुके हैं अपने यार ह्यूमन लैब्स के अंदर और फिलहाल तो मैं अभी लिफ्ट में हूँ और बस हम आने ही वाले हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो मेरे हाथ में एक पिस्टल है। तो चलो अब आ चुके हैं, हम चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। ओ भाई, यार लिटरली यार भाई लिफ्ट के खुलते ही यार यहाँ पे देख सकते हो भाई यार यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे। और गाइस 1 2 3 बंदे, मतलब 3 बंदे यार मुझे, ओ भाई एक साथ कैसे किल करूँ, ठीक है। ओके, तो आई गेस मुझे क्या करके मारना। ओ भाई, ओके, तो गाइस, ओ भाई वो उठ, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मतलब लिटरली यहाँ पे जो तीसरा बंदा था वो भाई मर के उठ चुका था, बट यार फाइनली यार यहाँ पे उस तुम्हारे भाई ने उसे भी गिरा दिया। ओ भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा स्पेशल गार्ड्स ये लग रहे हैं, तो इनके हाथ पे देख सकते हो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, मतलब यार उतनी दूर सिटी से इतनी दूर यहाँ पे भाई इन्होंने इतनी खतरनाक यहाँ पे ये सिक्योरिटी लैब बना रखी है, ह्यूमन लैब बना रखी है।
ओ भाई। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे ऑथराइज पर्सनल यहाँ पे आ सकते हैं, बाहर के बंदों को तो आना दूर की बात ही है। नॉर्मल जो सिटीजन होते हैं भाई एंटर भी नहीं कर सकते हैं। बट यार तुम्हारे भाई ने भाई लॉस सेंटा उसको बचाने के लिए भाई इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, ठीक है। तो चलो वो आगे तरफ देखते हैं। ओ भाई, और यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है बट यहाँ पे लॉक करा गया है। चलो आगे तरफ हमें छुप के चलना पड़ेगा। और गाइस आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो, एक दो तीन, मतलब यार कैसी आ रही है सिक्योरिटी गार्ड से। गाइस इनके सामने मैं इन्हें मार रहा हूँ और इन्हें पता भी नहीं लग रहा। ओके, तो सबसे पहले, People say I'm a disgrace to society. ओके, तो गाइस हमने यार तीनों को फिर से ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे हमने आठ नहीं, छः सात बंदों को हमने यहाँ पे मार दिया है, ठीक है। और आगे की तरफ एक बंदा और है शायद। ओके, ओ भाई, और लिटरली यार यहाँ पे जो बंदे थे यहाँ पे फाइनली सारे ख़त्म होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ओ भाई बस यार नहीं करना, इतना गुस्सा नहीं दिखाना, ठीक है। और गाइज यहाँ पे सारे बंदे ख़त्म होते हैं। और गाइज जो मुझे लगता है यार इस गेट के पीछे वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है रूम नंबर 3 में, माइनस रूम नंबर 3, जो कि यार मुझे लीक से पता चली थी। तो सबसे पहले हम अपने गन को निकाल के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि भाई इस गेट के पीछे यार कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो एक दो, ओ भाई, ओ भाई, शोर, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मैंने शोर कर दिया। ओके, तो चलो अब धीमे से चलते हैं और एक ही बार में सबको धप्पा कर देंगे हम, ठीक है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो भाई यही वो पागल साइंटिस्ट है जो कि यार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओ भाई, हाँ भाई, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, हाँ भाई बहुत बढ़िया, आगे 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 आगे। और गाइज ये वही मेन बंदा यार जिसे यार मुझसे काम था, ठीक है। जो कि यार बहुत, ये भाई ये जो बंदा है ना भाई बहुत ही यार हरामी इंसान है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई वेनम कहाँ पे है। तो गाइज यार यही वो बंदा है यार, यही वो पागल साइंटिस्ट है यार जो कि यार वेनम को इसने बनाया है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरे से सिक्योरिटी गार्ड्स को, इसके पूरे साथी को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सॉरी फ्रैंकलिन भाई, मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है यार, मुझे छोड़ दे प्लीज, जाने दे। नहीं, जान तो नहीं दूंगा, जल्दी बता दे यार तूने वैनम को कहाँ पे छुपा कर रखा है, तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। यार मैंने यार वैनम को इस पूल में रखा है। अच्छा, तो यार तूने पूल में रखा है। हाँ यार, जो इस पूल में कूदेगा उस पे वैनम की पावर आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो तेरा यही आइडिया था। तो यार मतलब सोच सकते हो गाइस, ये इतना हरामी बंदा है भाई, इसने यार इस पुल में वैनम की सारी पावर्स डाल रखी है। जो जो इस पुल में कूदेगा भाई उसे वैनम की पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं इसे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स ब्रो। ओके, तो गाइज मैं इसे ख़त्म करता हूँ वरना इस पे वैनम की पावर आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो गाइज इसे अभी हम ख़त्म करते हैं। मतलब गाइज देख सकते हो भाई, मतलब सिटी से इतनी दूर यहाँ पे इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे थे, ठीक है। सो गाइज फाइनली यार यहाँ पे हमने भाई जो साइंटिस्ट था और उसके जो पागल साथी थे, हमने यहाँ पे फाइनली सबको मार डाला है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये जो पुल है यार, इसे मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वो तो हम बाद में देखेंगे कि भाई इसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे फ़िलहाल तो मैं अभी चलता हूँ और पुलिस को खबर करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं। ओके, एक मिनट, ये क्या है? अरे अरे अरे, ओ भाई मतलब शिट यार। और गाइज लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो, ओ भाई मैं कहाँ आ गया? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यार, ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा? अरे अरे यार, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हो रही है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, यार मैं तो वेनम बन जाऊँ। ओ भाई यार, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, लिटरली यार यहाँ पे भाई मुझे भाई, ओ भाई क्या हो रहा है आखिर यार? पहले ऊपर चलता हूँ मैं। ओ भाई यार जल्दी चल यार, सांस नहीं आ रही यार, मतलब। ओ भाई यार कैसे यार, मतलब मैं भाई आधे घंटे से यहीं पे पड़ा हूँ और भाई लिटरली, ओ भाई मेरे हाथ कैसे हो गए? ओ भाई यार जल्दी ऊपर चलो यार, जल्दी भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ यार, मतलब। ओ भाई यार जल्दी से ऊपर चलता हूँ। ओ भाई, ओ भाई, ओ मतलब यार मैं इतनी तेज कैसे दौड़ रहा हूँ और ये काले काले हाथ? ओ भाई यार कुछ तो गलत सीन लग रहा है यार। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई,
अरे 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 यार, अभी तो मुझसे यार बिल्कुल चला भी नहीं आ रहा यार। मुझे पूरे चक्कर से आ रहे पता नहीं क्यों। और यार मैं इतना बड़ा क्यों फील कर रहा हूँ? कुछ तो यार गलत सीन है। ओ भाई, और लिटरली यार, ओ भाई लिटरली यार, यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा भाई बन चुका है वेनम। ओ भाई भाई भाई, मतलब ये तो यार कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया है मेरे साथ। वह यार खुद यार मैं वेनम को मारने आया था, वेनम को डिस्ट्रॉय करने आया था, और गैस यहाँ पे यार हम खुद ही वेनम बन चुके हैं। ओ भाई यार, यहाँ पे तो बहुत कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो रहा है। ओ भाई, हेलो फ्रैंकलिन। ओ भाई, और लिटरली यार यहाँ पे देख सकते हो भाई वेनम यार बात भी कर रहा है हमसे। ओ भाई यार, कुछ तो यार गलत सीन होने वाला है। फ्रैंकलिन, मेरा नाम वेनम है। ओ भाई यार, मतलब यार अभी यार मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो यार मेरे ऊपर का कंट्रोल है भाई, वो मैं मतलब भाई खुद ही यार अपने आप चल रहा हूँ यार। मतलब देख सकते हो भाई यार क्या हो रहा है मेरे साथ यार। मतलब समझ लो, अब तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल है। ओ भाई यार, वेनम यार क्या ही कर रहा है यार ये बंदा। हाँ फ्रैंकलिन, अब तेरे ऊपर मेरा कंट्रोल है, तू अब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ पूरे लॉस सैंटोस को खत्म करने, तू कुछ नहीं कर सकता। ओ भाई प्लीज़ यार, वैनम ऐसा मत कर यार। भाई लॉस सेंटोस में यार भाई लाखों यार बंदों की यार जान बसती है उसमें। भाई प्लीज़ ऐसा मत कर वैनम। और गाइस फाइनली यार हम आ चुके हैं अपने यार ह्यूमन लेयर्स के बाहर। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो वैनम था यहाँ पे पागल हो चुका है। मतलब भाई सामने यार 5 स्टार की पुलिस खड़ी है, और ऊपर देख सकते हो 1 2 3 हेलीकॉप्टर यार यहाँ पे मेरे सामने। भाई वैनम को मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। और गाइस भाई ये जो वैनम है, जैसे कुछ भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये भाई अपने डांस में मगन है। ओ भाई यार यार कुछ ज़्यादा यार भाई, मतलब अंदर से बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है। मतलब एक गुदगुदी सी हो रही है, मतलब मार रहे हैं ना, मतलब कुछ असर ही नहीं हो रहा। ओ भाई ओ भाई, लिटरली यहाँ पे देख सकते हो भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वेनम की पावर देख सकते हो गाइस। अरे अरे अरे, और गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो वेनम है अभी भाई पूरी तरह से इसकी जो पावर थी वो अभी अनलॉक नहीं हुई है। और गाइस उड़ते उड़ते यार तुम्हारा भाई वेनम जो था यार यहाँ पे मुझे लेकर आ चुका है। और गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक सीन हो रहे हैं। भाई पूरी 5 स्टार की पुलिस यार तुम्हारे भाई के पीछे पड़ चुकी है। और भाई जो वेनम है यार, तुम देख सकते हो भाई अभी तक इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओ भाई ये जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे यार तबाही हो जा रही है, तुम देख सकते हो। ओ भाई, और भाई जंप देख सकते हो भाई, भाई भाई कितनी ऊंची है, जंप लगा रहा है वो भाई। भाई यार मुझे जल्दी से कहीं सेफ जगह जाना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। भाई जो वैनम है अभी भाई पूरी तरह से यार कंट्रोल में नहीं हुआ है मेरे, ठीक है। तो सब समझ सकते हो, आधा है जो मुझे वैनम कंट्रोल कर रहा है और आधा मैं वैनम को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार जो दिक्कत हो रही है यार, कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देख सकते हो भाई वेनम कितना भाई खतरनाक यहाँ पे लग रहा है। और भाई इसके हाथ देख सकते हो, और जो भाई इसके दांत हैं, ओ भाई यार ये कितना यार डेंजरस लुक आ रहा है वेनम का यहाँ पे। और आई गेस यहाँ पे सारी चीज़ें सेफ हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पे मौसम भी कितना खतरनाक हो रहा है। और भाई ऊपर से यार ये मान की नहीं रहे भाई यार, ये खुद ही यार मरना चाहते हैं क्या ये? ओ भाई, और गाइस चलते चलते यार तुम्हारा भाई आ चुका है भाई माइकल के घर के पास, ठीक है। और भाई यार इसकी जो पावर है भाई कुछ ज़्यादा ही ओवर कंट्रोल हो रही है भाई, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही मुझसे, इसलिए भाई मुझे आराम से चलना पड़ेगा। ओ भाई यार जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर दिक्कत हो रही है। ओ भाई 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 यार कितनी ऊँची जंप लगा रहा है मैडम, तुम देख सकते हो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जल्दी से यार हम चलते हैं माइकल के घर के पास और पूछते हैं भाई क्या वो हमारी मदद कर सकता थोड़ी सी, क्योंकि यार जो उसने बताया था भाई उसी की वजह से हम गए थे उधर। और भाई चलो यार माइकल के पास चलते हैं और भाई पूछते हैं क्या वो हमारी मदद कर सकता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, और भाई ये रहा माइकल का घर। ओ भाई यार जहाँ देखा वहीं पे पुलिस वाले खड़े हैं मेरे पास, ठीक है। तो चलो भैया मैं माइकल के घर में जाता हूँ। तो बस यार आज की वीडियो में तैयारी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नए हो तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर सब्सक्राइब इसलिए करना भाई ताकि तुम आगे देख सको कि भाई वैनम के साथ आके हुआ क्या, और भाई कैसे यहाँ पे दो दो वैनम खड़े हैं, ठीक है। तो भाई ये जो आगे की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है भाई, बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट होने वाला है। सो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।